तो क्या हाल है भाइयों, आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ, आप ये क्रेटा देख रहे हैं। आज आप सभी को बताऊंगा कि मुझे ये कार चलाए कैसा लगा और जो ये कार है मैंने कितनी किलोमीटर चला ली है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको जगनेस की मिल रही है कार के अंदर, तो आपको ये आप देख रहे हैं 6877 हमने किलोमीटर है ये कार चला चुकी है। भाई अगर कार थोड़ी गंदी होगी तो मैं माफी चाहूँ, क्योंकि अभी मैं फार्म हाउस पे था तो यहाँ पे थोड़ी मिट्टी उड़ती रहती है यार। बैक साइड से कुछ ऐसी है, कंडीशन वाइज काफ़ी अच्छी है। अगर थोड़ी गाड़ी गंदी होगी तो पहले मैं माफ़ी मांग लूँ आप सभी से, और बता दूँगा भाई गाड़ी कैसी है। भाई हमने 2016 में ली थी गाड़ी है, और जब से लेके अब तक काफ़ी बढ़िया गाड़ी, मतलब कंडीशन वाइज काफ़ी अच्छी हमने मेनटेन की हुई है। आप देख भी रहे ये जो ये स्क्रैच है ये तो लगते रहते हैं, ये तो मामूली सी बात है। लेकिन वैसे बात करें ना बिल्ड एंड क्वालिटी कैसी गाड़ी, काफी अच्छी आपको बिल्ड एंड क्वालिटी मिलती है। गाइस जैसे ही आपको पता कि क्रेटा बहुत टाइम हो चुका है मार्केट के अंदर, तो फिलहाल ये सेकंड हैंड भी मिल रही है और काफी अच्छे आपको ये रेट्स में मिलती है। सेकंड हैंड के अंदर आपको इजीली ये 6 लाख से, मतलब 6-1 लाख तक आराम से आपको, 6-1 लाख की आपको ये आराम से मिल जाती है गाड़ी जो क्रेटा ये आपको सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर। तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको सेकेंड हैंड में आपको ये कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। चलाने में गाड़ी कैसी है भाई, चलाने में गाड़ी एक नंबर की है। मैंने चलाई, मैं मतलब कि हमने लॉन्ग ट्रिप भी बहुत किए हैं इस गाड़ी के ऊपर, और शॉर्ट ट्रिप तो हम करते रहते हैं, लेकिन अगर ऐसे चलाने की बात करें कम्फर्टेबल लेवल कैसा गाड़ी का, तो हमें काफ़ी अच्छा मिलता है कार के अंदर हमें कम्फर्टेबल लेवल। ठीक है, मैं कार के अंदर बैठा हूँ, जिस प्राइस पॉइंट में ये आती है ना आपको 12-1 लाख रुपये की आराम से मिल जाएगी, जो आप ये डीजल वेंट देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से गाइज जो हमें वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिल रही है ना जिस पैसे की, तो उसके लिए वर्थ है। आपको इतना कोई दिल पे बात नहीं चुभेगी, देख भी रहे यार कैबिन वाइज ना कुछ अलग ही फील आ रहा है कार के अंदर, ये लग रहा है कि यार थोड़ी महंगी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। हम बात करें माइलेज की, आपको माइलेज कितनी दे रही है ये मुझे लगभग, मैं इस पर बात नहीं करूँगा जो हमें इस पर हमें शोर है, लेकिन जो मैंने खुद ने इस पर नोटिस किया कि मुझे माइलेज वो कितनी मिल रही है, आपको ये गाड़ी आराम से हद से हद आपको कम से कम शहर के अंदर 13 की माइलेज कम से कम दे देगी। कम से कम बोल रहा हूँ गाइज 13 की माइलेज, आप पे डिपेंड है गाइज कि आप इस कार से कितनी माइलेज है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कम से कम बताया कि हमने 13 की दी है, लेकिन हाईवे की बात करें तो आपको मैंने 21 ठीक है 22 मैंने अराउंड इस पे निकाली हुई है हाईवे के अंदर, और शहर के अंदर मेरी इसीलिए 15-16 की माइलेज देती है गाड़ी ये, जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ कार को। कोई ये लगता है नहीं कि यार कार इतनी पुरानी हो चुकी है गाइस, इतनी कंडीशन वाइज आप चेक कर रहे हैं कि बिल्ड एंड क्वालिटी कैसी है गाइस, काफी आपको बिल्ड एंड क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी। आपको ये सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन क्वालिटी वाइज गाइस एक नंबर मुझे लगी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे पास होंडा ही क्रेटा है गाइज, जैसे कि आपको पता है कि यार आपका भाई इतनी वीडियो बनाता है गाड़ियों की हर कार की, यार अपने को कौन सी कार में क्या मिल रहा है कौन सी में क्या मिल रहा है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ कार में कोई कमी नहीं है। गाइज अगर आपको ये सेकंड हैंड मिल रही है ना भाई, तो अभी कभी ले लो। गाइज अगर आपको एक कार चाहिए क्या फिर होंडा कोई भी कार चाहिए, तो वीडियो के नीचे एक नंबर दिया गया, और आप देख रहे हो सामने कार जा रही है ना, आपने देखी वो नई वाली क्रेटा है, दो जो वो गई है वो नई वाली क्रेटा है, जो नई क्रेटा है ना उसका आपको एक नंबर किलर जो लुक होता है ना कार का वो दिया कंपनी ने, मतलब यार इतनी पसंद आई मेरे को जो नई वाली क्रेटा है, लुक से ही फैन हो गया उसका यार। लेकिन भाई मेरे को नई वाली क्रेटा दिल से बताऊं तो भाई काफी गदर लगने वाली, यार सेल्टोस भी अच्छी गाड़ी है उसमें भी नो डाउट, लेकिन यार आपने यार किया गाड़ी इतनी वो ठीक नहीं है, मेरे को पसंद नहीं आई यार, जितनी क्रेटा पसंद आई है मेरे को उतनी आपको किया सेल्टोस पसंद नहीं आने वाली, जो मेरे को मैंने देखा दोनों गाड़ियाँ अच्छी है नो डाउट, किया भी बढ़िया कंपनी है, हुंडई भी दोनों बढ़िया कंपनी है, दोनों गाड़ियाँ बेस्ट हैं अपने हिसाब से। अब लेकिन जैसे आपको किया सेल्टोस पसंद आएगी, लेकिन कईयों को क्रेटा पसंद आएगी, हर इंसान की अलग होने वाली सोच, तो उसको क्या पसंद आएगा। गाइस जो मैं कार का बूट है की के द्वारा खोल दूंगा और आप कार का बूट चेक करें। गाइस जैसे कि मैंने जो बूट के अंदर ये जो टायर है ये भी रखा हुआ है, और आपको सामान भी रखा हुआ है, और आप स्पे वाइज देख रहे हैं काफ़ी अच्छा आपको स्पेस है वो मिल रहा है कार के अंदर। सेंसर हमने लगवाए थे आफ्टर मार्केट, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट हमने लगवाए थे पार्किंग सेंसर, और हमने क्या लगवाया है आफ्टर मार्केट मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ये रेन डोर वाइजर जो ग्रासमेंट है ये हमने ये लगवाया था ब्लैक कलर वाला। बात करें हमने यही कार क्यों ली और कार क्यों ना ली, भाई उस टाइम पे यार
मेरे को ना बचपन से ही हुंडई गाड़ी पसंद है, क्योंकि हुंडई गाड़ी होगा ना इंजन काफ़ी ज़्यादा आपको रिफाइन मिलने वाला है, जो कि आपको ये डीजल मिलता है। अगर मैं कार को ऑन करता हूँ और आप ना कार की इंजन की साउंड सुनना कि आपको साउंड वाइज गाड़ी कैसी मिलने वाली है। अगर मैं कार की साउंड इंजन को ऑन करना पड़ेगा यार न्यूट्रल पे ना, अपना कार की साउंड सुनना कि आपको साउंड वाइज कैसी मिलने वाली है। आप चेक करें ना गाइस, यही चीज़ मेरे को ना हुंडई पसंद है, यही बात मुझे हुंडई की काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। आप देख रहे हैं साउंड यार इतना है, मिलेगा आपको, ये कोई नो डाउट यार आपको साउंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कम से कम मिलने वाला है गाइस। जो आज वाली कार आई है ना, जो फिलहाल अभी आ रही है 2021 के अंदर, उनके अंदर तो इससे भी कम साउंड है गाइस, उनके अंदर इससे भी कम साउंड मिल रहा है आपको उन कारों के अंदर। तो यार ये कार तो यार काफ़ी मतलब 3-4 साल हो गए इस गाड़ी को, तो उसके हिसाब से भाई साउंड वाइज आप इतनी पुरानी हो चुकी है गाड़ी। हमने ये अराउंड कार 70,000 हमने चलाई हुई है, तो गाइस आप उसके हिसाब से भी देखो ना हमने कितना वो मिल रहा है, तो उसके हिसाब से भी हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। सीट की क्वालिटी बात करें हमें काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग वाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप मेरा पॉइंट भी जानो है कि भाई यार आज के टाइम पे क्रेटा लेऊं क्या फिर किया सेल्टोस लेऊं, गाइस अगर आपको कहीं पे क्रेटा मिल रही है तो भाई क्रेटा ले लो, गदर गाड़ी आपका 5 साल बाद भी आप पछताओ नहीं गए कि यार मैंने चीज़ घटिया ले ली। आपको ये बोलोगे यार चीज़ बढ़िया ली है, मैंने 5 साल हो गए मेरे गाड़ी के अंदर और आपको ऐसी कार मिल रही है, आपको पछताने वाली चीज़ नहीं क्रेटा ये। गदर भाई आप भाई दिल से फैन भाई क्रेटा के, क्योंकि फैन इसलिए भाई का कार बढ़िया है, दमदार गाड़ी भाई, बिल्ड एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी। देखो मैं इसको ला रहा हूँ गाड़ी, बिल्ड एंड क्वालिटी भाई कहीं बढ़िया है, आप चेक करो। देखो भाई जो मेन इस कार है जो कॉम्पिटिशन ना वो आपकी किया की सेल्टोस रहने वाली है, और अब नहीं आ रही है किया की सेल्टोस, जब फिलहाल कुछ टाइम के बाद आने वाली है और जब देखेंगे कि हमें कैसी हमें फीचर और प्राइस वो प्रोवाइड कराएगी। लेकिन उसके हिसाब से भी अगर मैंने बोल दिया गाइस आप मेरी बात पे एग्री करते हैं, अगर आपका मन कर रहा है क्रेटा लेने का आप क्रेटा को ले सकते हैं, नो डाउट आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि यार मैंने ये गाड़ी ली। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसके अंदर आपको अच्छी तरीके से और मैं बताऊंगा कि मैंने गाड़ी क्यों ली, क्या इसमें मुझे खामियां लगी। अभी मैं इसका पार्ट 1 ये बनाया आप सभी के लिए, इसका पार्ट 2 भी आप सभी के लिए आने वाला है कुछ टाइम के बाद। अगर आपको वो भी जाना है ना तो आप सभी को वो मिलने वाला है मेरे चैनल पे, तो वेट ना करें प्लीज़ आना और वो वीडियो भी ज़रूर देखना, आएगी कुछ टाइम के बाद। अभी तो ये गाड़ी कहीं पर जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी के लिए अगले हफ्ते अलग इसका पार्ट 2 आप सभी के लिए मैं लेके आऊँ। आप देख रहे सामने वो किया कि सेल्टोस है वो जा रही है, वो भी गाड़ी बढ़िया यार नो डाउट, लेकिन यार आपन किया से सेल्टोस से अच्छी क्रेटा लगती है। तो गाइज आपको मैं उम्मीद करता हूँ सारे आपके क्वेश्चन के आंसर है वो मिल गए होंगे, अगर नहीं मिले तो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे जो कि आएगा आप सभी के लिए मेरे चैनल पे अगले हफ्ते। फिर उसके बाद हम इस कार की प्रॉपर रिव्यू वीडियो बनाएंगे, ये भी प्रॉपर थी आप जो मैं आपके दिमाग में बातें थी मैंने आप सभी को वो क्लियर कर दी कि आपके मन में बस एक ही मेन पॉइंट था कि यार क्या कि सेल्टोस लेऊं क्या फिर क्रेटा लेऊं। गाइज अगर आपको कहीं पे क्रेटा मिल रही है सेकंड हैंड क्या फिर नई 2021 के अंदर, तो गाइज वेट ना करें अभी कभी ले लें वो गाड़ी। अगर आपने वो कार ले ली तो 5 साल तक आप उस कार का कोई पछतावा नहीं करेंगे, आपको इतनी तसल्ली मिलेगी इस कार की कि 5 साल तक भी आपको कार के अंदर कोई भी इशू नहीं होने वाला है। अगर इशू होएगा तो भाई अपना तो पता नहीं, लेकिन अपने पास तो भाई आज तक कोई इशू हुआ नहीं कार के अंदर, कोई भी आपको डिफेक्ट आपको नहीं मिला। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपके छोटे भाई का चैनल वीरेंद्र राठी को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नई वीडियो के साथ।